हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरा मॉडल पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी हम सारा क्वेश्चन आंसर आप सभी को बताएंगे। तो प्री बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही ये मॉडल पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है वो बात हम लोग देख लेते हैं। सभी प्रश्न आप क्या अनिवार्य हैं और जो भी स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट मिलेगा ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पर दो खंड हैं, आ और बा है। 20 अंक बहुविकल्प प्रश्न है जो कि आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ओएमआर शीट पर कैसे भरना है ये भी आप सभी को बताना है। और यहां पर देख लीजिए खंड बा है जो कि 50 नंबर का है, ठीक है। तो खंड बा यहाँ पर 50 अंक का है। सारे अंक सारे प्रश्नों का उत्तर हम लिखकर आपको दिखाएंगे, सभी कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय था, क्या आशय था? राष्ट्र का, आम जनता का, संविधान का और घ क्या है? संसद का। तो आपका क्या है पूरा आपका राइट आंसर क्या है? ग, आम जनता का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है सरदार पटेल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है महात्मा गांधी और घ है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाता है महात्मा गांधी। तो ये वाले आपके राइट आंसर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, ख है जिनेवा, तीसरा है न्यूयॉर्क और घ है आपका ऑस्ट्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाता है न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा हम लोग देख लेते हैं। तो फटाफट से सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चौथा यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ ये आपको सभी को डेट आपको याद रखना है। का आपका ऑप्शन है 1914 और ख है 1939, ग है 1919 और घ है 1942। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1914, ठीक है, का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका पांचवा क्वेश्चन है 1785 ईस्वी में, ठीक है, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया? तो आपका है हार्ग्रीव्स और रिडले, स्टैनली और जोहन। तो आपका 1785 में किसने किया था? तो हार्ग्रीव्स का वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर छठवा जो क्वेश्चन है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली पहला ऑप्शन है और खा इंग्लैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? इंग्लैंड। आपका राइट आंसर कौन सा है? इंग्लैंड। तो ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में अविष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हुई? अविष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हुई? का राज्य, संघ या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? खा, ठीक है, संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पर देखते हैं। अच्छा यहाँ पर सेवन्थ का भी क्वेश्चन था, अब यहाँ पर एट्थ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एट्थ वाले ये वाले क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन है काले दस्ताने एवं बंधी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ग, अश्वेत शक्तियाँ की। तो काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ किसका प्रतीक होता है? अश्वेत शक्तियाँ की। नाइन्थ नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है कौन सा है? हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई धर्म है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर नौ का ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका कोई नहीं, ठीक है। ये वाले क्या है आप इसमें कौन सा आंसर सही है? कोई नहीं। तो ये आपके राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट नहीं है पर टेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है, राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? 2000 में या फिर 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में। तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है 2001 में। ये वाले आपके क्या है? राइट आंसर है। तो इस तरीके से पूरा प्रैक्टिस करना है। अभी हम आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आंसर लिखना बताएंगे, लिख कर आपको सारा समझाएंगे। निम्न में कौन सा एक व्यक्ति संसाधन नहीं, एक व्यक्ति संसाधन नहीं है? का है बागान, चारागाह, भूमि और खनिज संसाधन।
तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा एक एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन सा नहीं है, आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, भूमि। तो ये आपका व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा हर बार ये आपका आता है, पंजाब में, ठीक है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में यह नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखिए कौन सा खनिज आधारभूत नहीं है। मैग्नीज नहीं है कि आपका अभ्रक नहीं है कि लौह अयस्क नहीं है कि तांबा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है लौह अयस्क, यह आपका नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 है, निम्न लिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अति दुर्गम स्थानों के लिए क्या है, बहुत ही जल्दी क्या है, आवश्यक होता है। जल परिवहन, वायु परिवहन, जो है रेल परिवहन या स्थल परिवहन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है वायु परिवहन, ये आपके क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन, पतन मतलब बंदरगाह है, देश के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है, कांडला, और नेक्स्ट यहाँ पर कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो आप सभी को आंसर याद आ रहा होगा विशाखापट्टनम, यह आपका क्या है, पतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर यह आपका स्थित है। तो आपका राइट आंसर यही है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किस राज्य की सर्वाधिक है। तो आपको देखना है हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मेघालय। तो कौन सा आपका राइट है, तो आप लोग बताइए, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इसमें से है हरियाणा, तो यह आपका राइट आंसर है इनमें से। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र विकास का लक्ष्य है, नियमित कार या फिर उपज की उचित कीमत, ठीक है, या फिर आपका बेहतर मजदूरी हो, या फिर इनमें से कोई नहीं हो। यहाँ पर क्या है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र विकास का लक्ष्य है, तो नियमित कार्य नहीं है, उपज की उचित क्या है कीमत भी नहीं है आपका, और बेहतर मजदूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, विकास का लक्ष्य क्या है, इनमें से कोई नहीं है अभी। तो आप, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा तो ये वाले आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और हमको आंसर कमेंट में कीजिएगा कौन सा राइट इसका आंसर है, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं, और सेवा यहाँ पर है, सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है कि द्वितीयक में आता है कि तृतीयक में आता है, तो आपको इनमें से कोई नहीं में आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र में आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर दो और बचे हुए फटाफट से करते हैं। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। दो राज्यों, राज्य आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो राज्यों के बीच पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय व्यापार होगा कि अंतर्राष्ट्रीय होगा, आंतरिक व्यापार होगा, वस्तु विनिमय होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, आंतरिक व्यापार। दो राज्यों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान क्या हो जाता है, आंतरिक व्यापार, ये आंतरिक व्यापार में आता है। लेकिन और हाँ, राज्यों के बीच में जब किया जाता है तो एक ही देश में किया जाता है, तो आपका क्या रहता है, राष्ट्रीय व्यापार रहता है। अगर दो देशों में किया जाता है तो आपका क्या रहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक मार्ग किस किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, ठीक है, किन वस्तुओं के लिए चिन्ह है, उपयोग वस्तु या फिर सेवा वस्तु या फिर खाद्य पदार्थ वस्तु या फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, खाद्य पदार्थ वस्तुओं के लिए चिन्ह मतलब प्रमाणिक चिन्ह है। तो यहाँ पर 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो हम लोगों ने पूरा 20 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो कि आपका क्या है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी इसका देखेंगे। फ्रांस की पहला आपका जो क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। तो चलिए अब आंसर हम लोग देख लेते। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुआ था। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। यही क्या थी, इसके मूल कारण थी लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश की आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। किसके कगार पर था, दिवालियेपन की कगार पर था वहाँ पर, क्योंकि आर्थिक रूप में आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया। तो ऐसी स्थिति जब आ गई तो नया कर
कर भार लगा दिया और यहाँ पर जिसका जनता ने विरोध किया, क्योंकि जनता ने विरोध करेंगे ही जब उन पर कर क्या करेंगे बढ़ा के लगाएंगे, कुछ नया नियम लाएंगे। जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ अगर कुछ अपोजिट में रहता है तो वो जो विरोध तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति जो थी वो क्रांति का एक मुख्य कारण बन गई। यही आर्थिक स्थिति ही क्या होती है, आपको ये वर्ड जरूर याद रखना है, आर्थिक स्थिति ही क्रांति का मुख्य कारण बनी थी, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो आपने पहला आंसर अभी देखा, अब दूसरा आंसर भी आपको चलिए देखते हैं। और अथवा का जो आंसर है इस तरीके से हमने लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो निम्नलिखित थे। यहाँ पर पहला आप देखिए, विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े, भारतीय समर्थन के प्रतिफल में ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी दे सकती थी, ठीक है। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश के ही पक्ष में लड़े थे, लेकिन वो इसी के दौरान क्या कर सकती थी, आज़ादी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये एक मुख्य कारण थी असहयोग आंदोलन की, उसने आज़ादी नहीं दी पक्ष के साथ लड़ने के लिए तब भी। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, जो उपभोक्ता मतलब जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उपभोग वो वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। किसान को अपनी कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, ये हो गया, कि जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी। ये तीसरा है, यहाँ पर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के प्रभाव ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। तो तीन है यहाँ पर मुख्य कारण थे जो हमने लिख दिया। क्षतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तो ये भी हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका भी आंसर अब हम लोग देख ले सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि था, आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या आपका 2 है, जब शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो तब इसे सत्ता का शैक्षित वितरण कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर अंग, यहाँ पर नेक्स्ट है, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, जैसे भारतीय न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका कार्यों पर, उसी तरीके से विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर, इस तरीके से, इस प्रकार वे शक्ति को संतुलित रखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद में कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, वैसे ही संघ विधायिका तथा सर्वोच्च न्यायपालिका के भाग होते हैं। इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। आपको जो अथवा में क्वेश्चन ये वाला, भूशरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो इसका भी आंसर हमें देखना है। इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला प्रश्न कि भूशरण या फिर क्वेश्चन पूछे या फिर मृदा अपरदन पूछे, दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं, सेम होते हैं, और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% आपका ये आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखिए, वन लगाना हो सकता है, वन जब आप लगाएंगे, हो सकता नहीं, डेफिनेटली है कि वन लगाएंगे तो आपका मृदा अपरदन नहीं होगा, मतलब भूमि का कटाव नहीं होगा, मिट्टी कट के बहेगी नहीं एक जगह से दूसरी जगह, यही होता है भूक्षरण और मृदा अपरदन। तो वृक्षों की जड़ों मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है और मृदा अपरदन या भूक्षरण नहीं होता। दूसरा हो जाएगा घास लगाना, अगर घास लगाएंगे उससे भी क्या होगा, मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखती है, तो उससे भी अपरदन नहीं होता है। तीसरा, आप बांध का निर्माण कर सकते हैं, जैसे नहर नदियां होती हैं ना, आप इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं कि नहर नदियां ये सब होती हैं, उनके पानी के बहाव के कारण क्या होती है, मिट्टी भी क्या होती है, कट कट के बहने लगती है, तो अगर हम वहाँ पर बांध बना दें तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। सीढ़ीदार खेत बनाना, अगर हम पूरा बराबर करके एकदम वैसे कर देंगे, अगर कहीं पर ऊंची नीचे ऐसे इस तरीके की ज़मीन है, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अलग अलग स्टेप वाइज बना देंगे तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं आएगी, वहीं पर रुकी रहेगी, तो ये हेल्प करता है सीढ़ी नुमा खेत बनाकर करना, समोच जुताई, ठीक है। तो 5 हमने लिख दिया, आपका सिर्फ 3 पूछा था, आप 3 क्वेश्चन आपका पूछा है। कृषि के 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, कृषि के कोई 3 समस्याओं का उल्लेख करना है, ये भी हमको, चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अच्छा आ जाता है जो कि क्वेश्चन है, कृषि की 3 समस्याएं लिखी हैं, कृषि की 3 समस्याएं क्या, भूमि के आवासन,
पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या मोस्ट यही है, क्या हो जाती है, बढ़ती जनसंख्या, कहीं पर जमीन है, भूमि है, वहाँ पर क्या करते हैं, खेती हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर घर बन जा रहे हैं, आबादी बढ़ने लगती है। तो ये किसका कारण, जनसंख्या का ही कारण है कि क्या होता है, ऐसे कृषि के में तीन समस्या, ये समस्या आने लगती है, भूमि का आवासन, वहाँ पर भूमि का आवासन होने लगता है, या फिर रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग करके जब यू करेंगे तो मिट्टी का उर्वरता क्या हो जाएगी, कुछ कम या फिर कुछ जो इफेक्ट प्रभाव पड़ता है उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो तीन हमने सिर्फ पॉइंट लिख दिया, आप इसके अंदर ऐसे कोई अपनी भाषाएं में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में, ठीक है। में है वो दो में से आपको सिर्फ कितना करना है, दो बता रहा है, मतलब आपका दो अथवा करके पूछा, उसमें सिर्फ आपको एक करना है। लेकिन अभी हमने हम पूरा क्या कर रहे हैं, आपको पूरा आंसर, आपको अभी हम पूरा आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कृषि की तीन समस्या को उल्लेख हो गया, समस्या को उल्लेख करना है यहाँ पर अथवा करके उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 की प्रमुख विशेषता बताएं। तो प्रमुख विशेषता इसकी है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। आपको जो हेडिंग होती है ना, वो हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी और अगर कुछ गलत भी हो जा रहा है तो आपको एग्जामिनर मार्क्स तो दे ही देंगे जितना आप दिमाग से लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या आपका क्या है, 3 है, अथवा वाला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहाँ पर कुछ है, तो चलिए पढ़ते हैं। यह अधिनियम सभी वस्तुएं एवं सेवाओं पर लागू है, आपको यह याद रखना है, सभी वस्तुएं सेवाओं पर लागू, यह उपभोक्ता को कई अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है, कई अधिकार, इसमें सभी क्षेत्र सार्वजनिक हो या फिर निजी हो, सहकारी, सभी क्षेत्र इसमें आते हैं, कोई भी क्षेत्र नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आता। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा उसको बढ़ाने के लिए केंद्रीय राज्य स्तर एवं पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना हुई है। पांचवा है इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो 5 हमने ये याद, हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारतीय कृषि के वैश्वीकरण के प्रभाव के संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट जो है ये वाला तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए, ठीक है। तो अंतर बताना ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। का 5th नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मन एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। दूसरा है यहाँ पर, साथ में हम सारा क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आंसर हम लोग समझते हैं अलग अलग, ठीक है। और अच्छा ये जो हमने अभी, अच्छा एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो ये सारा इसका 5वां है, मतलब ये बहुविकल्पी है, वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो कि 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो हम मैंने क्या किया, आप सभी को ये वाले जो सारे आंसर थे जो कि 80 शब्दों में था, जो 80 शब्दों में लिखता है, ये हमने लिख के आपको बता दिया। बाकी और जो ये वाले हैं आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है और देखना है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। 100 शब्दों वाला ये वाला आपको खुद पढ़ना पड़ेगा अपने से। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें बता दे रही हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान, ब्रिटेन वुड्स टिविन और जिन्हें किन्हें कहा जाता है वो आपको पढ़ना है, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुण एवं समस्याओं का उल्लेख, यह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सामाजिक विभाजन के किस तरह में राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अथवा करके 2 में से जो आपको आता रहेगा वही लिखना है और लेकिन पढ़ लेना है इसको। संसाधन का अर्थ लिखिए, एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए, यह हो गया 7वां। और इससे इसका भी अथवा यहाँ पर है, देखिए भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखना है, ये हो गया। और नेक्स्ट आपका कितना रहता है, 8 क्वेश्चन रहते हैं, तो 8वें वाले क्वेश्चन कहाँ गए, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर संसाधन के रूप में उपाय उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या करना, ये वाला इसका। तो भारत में पाए जाने वाली मुख्य फसलों पर लेख लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर बार आता है एग्जाम में, तो आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पर वैश्वीकरण तो और ही आते हैं, जो कभी शॉर्ट में आते हैं कभी लॉन्ग में आते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की जाती, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। तो सारा आपका लॉन्ग और शॉर्ट किस तरीके से आएगा, तो आपको इस तरीके से 4 आपको दीर्घ उत्तरी रहेगा, ठीक है।
आपका 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी रहेगा जो कि आपका 6-6 मार्क्स का होने वाला है। तो ये आपके होंगे पूरे 24 नंबर के, ये 150 शब्दों को आपको लिखना पड़ेगा। और आपको कितना आएगा, 4 क्वेश्चन आपको आएंगे उसमें लिखने के लिए, जो कि 4-4 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपको 16 नंबर का जो कि हम अभी लिख कर बताने वाले हैं। तो ये आपका ये हो गया। तो इतने सारे बस आपके क्वेश्चन आएंगे, अति लघु नहीं आता, आपका पेपर पैटर्न क्या हो गया, बदल गया है, तो सारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका कुछ क्वेश्चन क्या आता है, वो मानचित्र कर किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, नील की खेती के लिए किसानों ने सत्याग्रह कहाँ किया था, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, आनंद भवन कहाँ स्थित है। तो यहाँ बस आप ये देख लीजिए, बाकी हम इसको मानचित्र के लिए क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट बहुत ही यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यह ऐसे बनाना पड़ेगा। मानचित्र के लिए अलग से वीडियो लाएंगे जो कि मैं आप सभी को बताऊँगी किस तरीके से मानचित्र भरना है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपने देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वाले क्वेश्चन आपके हर साल आपके आते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 4 है जो कि आपका वैश्वीकरण का, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपी तथा भारत आए, उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो फसलों को उगाएं। इस तरीके से हो गया। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो गई, जिसमें आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा वो पूछा था ना, चाय, कपास, चावल, कॉफ़ी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता की जाती है। 1960 में उत्पाद वाली किस्मों के बीजों में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ा लेकिन बाजारों में खाद्यान्नों की आपूर्ति हो गई, कमी हो गई। ठीक है, 1990 के दशक में कृषि व्यापार में कुछ नियमों में ढील दी गई, 1991 में बाद में लागू रही, इसके बाद उदारीकरण के अंतर्गत अनेक सुधार हुए। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा अथवा करके है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय व्यापार में देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताना था। तो इस प्रकार का व्यापार देश के अंदर ही होता है, जो जैसे यूपी एक स्टेट है, दूसरा क्या है एमपी एक स्टेट है, तो आपके देश के अंदर ही होगा ये वाले हो गए। इस प्रकार का व्यापार दो देशों के बीच होता है, जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, दो देशों के बीच। अच्छा, अभी हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न किया था तो वहाँ पर कहा था दो राज्यों के बीच में ना, तो राज्यों के बीच में क्या होता है वो राष्ट्रीय व्यापार, वही आंसर क्या होंगे राइट होंगे। यह प्रादेशिक असंतुलन को मिटाता है, अगर कुछ कमी हो जाए, जैसे किसी के यहाँ गेहूँ कमी हो गया, किसी के यहाँ आलू कमी हो गया, तो वो देकर अपना असंतुलन बना लेते हैं दोनों प्रदेश वाले। ठीक है, लेकिन ये देशों के मध्य असंतुलन को मिटाता है, क्योंकि देश वाली है तो आप देश में लिखेंगे। अतिरिक्त तो उत्पाद जो अगर ज़्यादा उत्पाद हो गया एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को भेजता है। ठीक है, एक प्रदेश क्या करेगा, दूसरे प्रदेश को भेजेगा, अतिरिक्त उत्पाद एक देश से दूसरे देश को भेजेगा, ये क्या करता है एक देश से दूसरे देश को भेजता है। यहाँ पर है पंजाब और हरियाणा अपने अतिरिक्त गेहूं को अन्य राज्यों में भेजते हैं, उदाहरण हो गया, इसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, भारत अपना अतिरिक्त लौह अयस्क जापान को भेजता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो पूरा चारों जो क्वेश्चन था हमने बता दिया, दीर्घ उत्तरी आप सभी पढ़ लीजिएगा। चलते हैं, और भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल पर जाकर वहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।